जो तुझ तक आता है, सत्संग सुनता है, तू ज्ञान का दाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, आसंग दे दुख भंजन, जो तुझ तक आता है, सत्संग सुनता है, तू ज्ञान का दाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, आसंग दे दुख भंजन। सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, काम के समय काम कीजिए, स्नान के समय स्नान कीजिए। लेकिन आदमी कहाँ ऐसा करता है, खाने के समय टीवी देखता है, खाने के समय मोबाइल से बात करता है, खाने के समय एक दूसरे से बात करता है, खाने के समय हंसता है। अरे हिंदुस्तान में तो बहुत मूर्ख पैदा हो गया। खा भी रहे हैं दाल भात मुँह में रख के, बाबा बाबा हंस रहे हैं, और दूसरे की थाली में दाल भात मुँह से फेंक रहे हैं कि तुम भी प्रसाद खाओ। शांत होकर खाइए, मौन होकर भोजन खाने से बुद्धि बढ़ती है, मुस्कुरा कर प्रसन्न होकर भोजन खाने से बुद्धि बढ़ती है, भोजन के समय गुस्सा करने से बुद्धि घटती है, संतोष रखने से बुद्धि बढ़ती है, तृष्णा करने से बुद्धि घटती है। आपके माइंड पर ओवरलोड होता है। हरे भरे वातावरण दृश्य को देखने से बुद्धि बढ़ती है, रूखी सूखी जगहों में रहने से, गंदगी में रहने से बुद्धि घटती है, सफाई शुद्धता में रहने से बुद्धि बढ़ती है, शाम को एक गिलास दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, मलाई खाने से बुद्धि घटती है। इसे मलाई मत खाना, मलाई और दूध में अंतर है, मलाई उतार देना। एक बादाम शाम को भिगोइए और सुबह छिलका उतार कर खा लीजिए, एक बादाम, और दो किशमिश, किशमिश समझो द्राक्ष, एक छुहारा, छुहारा एक मुनक्का, इस शाम को भिगा दीजिए तीन पानी से धोकर और सुबह निकाल कर खा लीजिए, बादाम का छिलका उतार दीजिए। गृहस्थों के लिए टॉनिक है ये, और साधुओं को संभल कर खाने की जरूरत है। तो हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ क्या है? हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ है कि हनुमान जैसे शाकाहारी बन जाओ, फलाहारी बनो, थोड़ा फल भी खा लो और थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, अपनी शरीर की ऊर्जा को एकत्रित होने दो। आप देखते होंगे जब किसी हंडी में महिलाएं दाल पकाती हैं, एक घंटे में दाल पकती है, कुकर में दाल पकाती हैं, दस मिनट में दाल पक जाती है। कारण क्या है? कुकर में स्टीम को एकत्र कर दिया गया है, रोक दिया गया है, इसलिए तुरंत दाल पकती, सीटी बज जाती है। आप भी अगर अपनी स्टीम को, अपनी ऊर्जा को एकत्र करते हैं, रोकते हैं, तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी की दाल भी जल्दी पक जाएगी और बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। थोड़ा ऊर्जा को कंट्रोल कीजिए, फिर तुम बुढ़ापे में भी जवान जैसे दिखोगे, चमकोगे। कोई तुमसे उम्र पूछेगा, तुम कहोगे 60 साल, तो लोग कहेंगे 40 साल के दिख रहे हो। अगर ये सब नियम पालन नहीं किया, कोई उम्र पूछेगा तुमसे, तुम कहोगे 40 साल का, तो बोलेगा 70 साल के दिख रहे, बूढ़े जैसे, बूढ़े ही हो गए। किसी चीज की चिंता मत कीजिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, उनको कंट्रोल कीजिए, कुछ आपके हाथ से बाहर हैं, उनकी टेंशन मत लीजिए, और जो प्रयास करने से भी कंट्रोल ना हो उसको त्याग कर दीजिए। जो पाना चाहते हो मेहनत से उसको प्राप्त कीजिए, और जो मेहनत से भी प्राप्त नहीं हो रही है तो उस चीज़ का त्याग कर दीजिए, टेंशन में मत जियो।
क्योंकि वस्तुओं से किसी का दिल भरता नहीं है, वस्तुओं से किसी का दिल भरता नहीं है, और सामान से कोई सुख पाता नहीं है, और शराब पीकर कोई बलवान बनता नहीं है, और जुआ खेल कर कोई धनवान बनता नहीं है, और गुरु की कृपा जिस पर होती है वो बिना प्रयास के ही महान बन जाता है, महान बन जाता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संत कबीर कहते हैं आपा तजाए, आपा को छोड़ दे, पूरी दुनिया का वजन अपने सिर पर मत लाती है, कार्य कीजिए और कार्य से बाहर निकल आइए, बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न कीजिए और फिर भी अभिमान मत कीजिए, सब कृपा से हो रहा है, प्रभु और तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, आश्चर्य बस यही है कि मेरा नाम हो रहा है, सब कृपा है। और जब तुम किसी की कृपा मान लेते हो, किसी की कृपा से हो रहा है, जिसकी मान लो तुम, गुरु की, भगवान की, संत की, इससे बड़ा फायदा होता है। कृपा मान लेने से तुमको 10 गुनी ताकत मिलती है, कृपा मान लेने से तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो, कृपा मान लेने से तुम्हारे अंदर मनोबल बढ़ता है कि जब उनकी कृपा से ये हो गया तो उनकी कृपा की कमी क्या है, तो और भी हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाता है, इसलिए कृपा ही मानो। सुंदर मकान खड़ा हो जाए तुम्हारा, मानो कि कृपा है किसी की। सुंदर गाड़ी आ जाए, कृपा है, इसलिए कितने लोग अपनी गाड़ी पर लिखा देते हैं माता पिता की कृपा, कुछ लोग लिखाते गुरु जी की कृपा, कोई लिखाता है शिव जी की कृपा, कृपा है। और कृपा बड़ी विचित्र होती है, कृपा आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन कृपा जब हो जाती है तो कार्यों से दिखाई देती है, उपलब्धियों से कृपा दिखने लग जाती है। और कृपा प्राप्त करने का सहज तरीका है, श्रद्धालु बन जाओ, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, प्रेम भरे सरोवर बन जाओ, कृपा जरूर मिलेगी। जब रावण ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, श्री राम को खबर मिली कि ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, रावण का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान राम अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने सोचा सेत बंद बनाने के पहले रामेश्वरम नाथ की स्थापना करो, तो शिव जी की स्थापना किया और फिर शिव जी की पूजा उन्होंने भी किया। शिव जी को जब खबर मिली कि राम भी आपकी पूजा कर रहे हैं, उधर रावण आपका जाप कर रहा है, तो शिव जी ने कहा दोनों पर मेरी कृपा है, दोनों पर मेरी कृपा है, अब मैं सिलेंडर हो जाऊंगा, ना तो रावण को मदद करूंगा और ना तो राम को मदद करूंगा, लेकिन दोनों पर मेरी कृपा रहेगी, अब इसमें और कोई अतिरिक्त कृपा को प्राप्त कर लेगा वो जीत को हासिल कर लेगा। तो राम ने वनवास के समस्त ऋषि मुनियों की कृपा को भी प्राप्त कर लिया, इसलिए राम की जीत हो गई, और रावण ने उनकी बद्दुआओं को प्राप्त कर लिया, इसलिए रावण की हार। राम भी शिव जी के भक्त हैं, रावण भी शिव का भक्त है, दोनों एक ही इष्ट देव का जप कर रहे हैं, लेकिन राम के पास में प्लस पॉइंट इतना है कि वह संतों की कृपा को भी प्राप्त कर चुके हैं। रावण के पास माइनस पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि वह संतों की बद्दुआओं को प्राप्त कर चुका है। आशीर्वाद न ले सको, लेकिन कम से कम अभिशाप भी मत ले लेना, अच्छा ना कर सको तो कम से कम बुरा मत करना, फूल न बिछा सको राह में तो कांटे भी मत बो देना,
पानी न पिला सको प्यासे को तो उसका लोटा लेकर फेंक मत देना। किसी को राह मत बता सको लेकिन उसको कुएं में ढकेल मत देना। जाने तो ढूंढ लेगा रास्ता। सेवा बहुत बड़ी चीज है। जिसकी तुम सेवा करते हो उसके भाग्य का अंश आपके साथ शामिल हो जाता है। इसलिए संतों के ऊपर खर्चा करने वाले लोग कभी गरीब नहीं हुए, दरिद्री नहीं हुए। मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ गरीबों के यहाँ गया हूँ वो अमीर हो गए, अमीरों के यहाँ गया हूँ और ज़्यादा अमीर हो गए। और जिन्होंने सेवा नहीं किया, दूर से देखते रहे कि धीरव सिंह सिसोदिया चक्रम पड़े हैं साधुओं के, खूब इनका खर्चा हो जाएगा, और एक पैसे सेवा में नहीं खर्च किया, दूर से खिल्ली उड़ाते रहे, न जाने क्या पासा पलटा, वो बर्बाद हो गए। संत की सेवा करो तो जो मिलने वाला है तुमको भी पता नहीं, संत को भी पता नहीं, और संत की खिल्ली उड़ाओ तो जो तुम्हारा बर्बाद होने वाला है तुमको भी पता नहीं है। तुम्हारे आने वाली संतानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सब जुआरी शराबी कबाबी पैदा होंगे और सारा बेचकर खत्म कर देंगे। संत को सताने से तीन फल मिलते हैं। संत यानी संत, संत का अर्थ ये नहीं कोई कपड़ा पहनकर संत झूठा संत बनकर बैठा, वो संत नहीं। और समाज के लोग तो कपड़ों को ही संत मान लेते हैं, ये बड़ा भ्रम हो गया। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा अगर संत हृदय तुम्हारा नहीं है तो कृपया संत के वस्त्र भी लपेट कर मत बैठिए। धोखा क्यों दे रहे हो? ये संत के कपड़ों का भी सम्मान होता है, मर्यादा होती है। कौन इतनी जांच से आईडी लगाएगा कि तुम संत झूठा हो कि सच्चे हो? तुम क्यों कपड़े संत के पहने हो? एक महात्मा ने गंगा जी से जाकर के पूछा, हे गंगा मैया सारी दुनिया के लोग तुम्हारे में आकर के पाप धो देते हैं तो इन पापों को तुम क्या करती हो? तो गंगा जी ने कहा, मैं किसी के पाप को अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं उन पापों को ले जा करके समुद्र को दे देती हूँ। तो महात्मा समुद्र के पास पहुँचा और पूछा कि हे समुद्र देवता ये पाप सब आप में इकट्ठा होते नदियाँ डाल जाती तुम क्या करते हो? तो समुद्र देवता बोले कि मैं पाप को अपने पास नहीं रखता हूँ, पाप को भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ। तो महात्मा बादलों के पास पहुंचा और बोला कि बादल देवता तुम क्या करते हो इन पापों को? बादलों ने कहा मैं इन पापों को ले जाकर के उन्हीं पापियों के ऊपर फिर बरसा देता हूं कि तुम ही भोगो इसको। धनव मानव थई जाई संतो न संगमा, धनव मानव थई जाई संतो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संतो न संगमा, पापी पावन थई जाई 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 संगमा। मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर तुम्हारे घर में कीर्तन होता भजन होता है पूजा होता है पाठ होता है प्रवचन सुना जाता है तुम्हारे घर में सत्संग की आवाज गूंजती है तो आपके घर के दुख लाखों कोस दूर हो जाएंगे और सुख का सागर लहराएगा। कितने घरों में तो सुबह शाम गाली गलौच होता है, पति आएगा दरवाजे को गाली देगा, भोजन को गाली देगा, थाली को गाली देगा, पत्नी को गाली देगा, पत्नी भी उठेगी चूल्हे को गाली देगी किचन को गाली देगी, पूरा परिवार एक ही मॉडल का है, सब गाली गलौज गंदी भाषा अभद्र शब्द का प्रयोग
ओट पटांग बातें। शब्द को संभाल कर बोलिए। आपके घर के अंदर अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी से सभ्यता के शब्द निकलने चाहिए, क्योंकि वाणी से मनुष्य के ग्राफ को पहचाना जाता है कि किस लेवल का आदमी है ये। आपका अगर बोलने का तौर तरीका नहीं ठीक हुआ है तो समझ लो बहुत आगे जाने की उम्मीद भी नहीं आपकी है। इसलिए वाणी को सुधारिए। और एक बात ये भी याद रखना, बोलना तो 2.5 साल में हर बच्चा सीख लेता है, पर कहाँ क्या कब कैसे बोलना चाहिए ये 100 साल की जिंदगी में बूढ़ा आदमी भी नहीं सीख पाता है। और ये जिसको सीखना आ जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है। जिस दिन से जन्म होता है हम सुनना तो सीख जाते हैं, सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन क्या सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए ये हम जिंदगी भर सीख नहीं पाते। खाना तो सब लोग सीख जाते हैं बचपन से ही, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात को सीखने के लिए सत्संग में आना पड़ता है। और जिसने ये सीख लिया उसकी जिंदगी जो है गुलाब का फूल बन जाती है। आपा तजे हरी भजे नक्सिक तजे विकार। और कबीर तीसरी बात कहते हैं, नक्श लेकर शिखा तक जितने भी दोष हैं आपके अंदर उनको त्याग कीजिए। और चौथी बात कहते हैं, सब जीवन से निर्बैर रहे, अपनी तरफ से किसी से बैर मत रखो। अगर कोई बैर तुमसे मानता है तो चिंता मत करो। कबीर के प्रति भी लोग बैर मानते थे, लेकिन कबीर अपनी तरफ से बैर नहीं मानते थे। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, प्रेम ही प्रेम जिनका रूप था, और साधु मता है सार, और संत परम संतों की वाणी सार है, उस वाणी को लेना अपना कल्याण करना। रात में 9 बजे आस्था भजन टीवी चैनल में बैठकर प्रवचन सुनना, रात में 8:40 पर सत्संग चैनल में बैठकर प्रवचन सुनना, 8:40 से 9 बजे तक सत्संग चैनल, और 9 से 9:20 तक आस्था भजन चैनल। 40 मिनट का लगातार सत्संग आपको सुनने को मिलेगा, आपका जीवन आनंदित होगा। कितने गांव में पूरे के पूरे गांव सत्संग सुनते हैं। अभी एक गांव में मैं गया था तो लोग कह रहे थे 9 बजे रात को आप निकल पड़ो गुरुदेव, हर घर में आपकी आवाज़ गूंज रही है और सब सन्नाटा है, शांति सुन रहे हैं और बच्चे भी सुनते हैं। संत की वाणी से फायदा उठाइए। सूरज उदय हुआ है, ये उदय ही नहीं रहेगा, अस्त भी हो जाएगा। संत प्रकट हुआ है, ये प्रकट ही नहीं रहेगा, ये छिप जाएगा। इसलिए याद रखना, संत की वाणी का प्रचार प्रसार करने वालों को भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार करने से करोड़ों नर नारियों के अंदर ज्ञान पैदा होता है, उनको सुख शांति मिलती है, उसके बदले में आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए संतों की वाणी को फैलाना चाहिए। आज यहां पर समागम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे श्रीमती चंद्रकांता जी को, हमारे धीरभ भैया जी को कोई प्राइवेट लाभ थोड़े ही है। इससे मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है, और जो वाणी सुनेगा उसके अंदर शांति मिलेगी, सुधार होगा, घर में सुख आएगा, तो ये कितने बड़े परोपकार का काम है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, वह कौन सी चीज है जिसका मूल्य जिसका वजन धन और राज्य से भी अधिक होता है। तराजू के पलड़े पर जिसको रखने से धन और राज्य का पलड़ा भी हल्का हो जाता है, उसका क्या नाम है। वो चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, जिसको मिलती है
वो धन्य हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, वो चीज गरीब और अमीर सभी को मिलती है, जो उसको जितना पाना चाहे पा सकता है, जो जितना लेना चाहे ले सकता है, और वो जिसके पास में होती है उसका यश फैलता है, उसका नाम होता है, उसका काम होता है, वो धनवान बनता है, महान बनता है, पूरे संसार में उसका सम्मान होता है। तो उसका नाम क्या है? और उस चीज के मिलने से मनुष्य को सुख की भी प्राप्ति होती है। सुख कहाँ मिलता है, आज इस बात का भी विवेचन आपके बीच में करूंगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी नर नारी हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख की तलाश में लगे रहते हैं, और सुख ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम आ जाती है, और सुख की तलाश करते करते दुख बढ़ता चला जाता है। मनुष्य की दशा ऐसे हो जाती है जैसे मछलियों की दशा, भूखी मछलियां जैसे तालाब में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ों पर मुंह मारती है, वे समझती हैं ये भी कोई खाने की चीज़ है। जब मुंह में कंकड़ को रखती हैं और दबाती हैं तब सोचती हैं कि ये तो कंकड़ है, तब फिर उसको बाहर कर देती है, और ऐसे करते करते उनका पूरा दिन बीत जाता है और भूखी रहती है, ढूंढ रही है कुछ खा लूं। ऐसे इंसान सुख की तलाश करते करते दुख के कंकड़ों पर मुंह मारता रहता है, और जहां पर वो मुंह मारता है दुख का कंकड़ ही उसके मुंह में आ जाता है, और वह व्यक्ति दुख के कंकड़ को फेंकता है, फिर आगे तलाश में जुट जाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, और इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगा। एक दूसरा प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन देखा जाता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी प्राणी है, इसको सुख कैसे मिलेगा? सुखी कौन हो सकता है और योगी कौन कहलाता है? योगी जिसको आप साधु कहते हो, साधु की परिभाषा कृष्ण सुनाने जा रहे हैं। अभी तक तो आपने कपड़ों को साधु माना था, तिलक चंदन को साधु माना था, गले में पड़ी हुई चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला को साधु मान लिया था, लेकिन कृष्ण की परिभाषा में साधु कौन है, योगी कौन है, सुखी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शक्नोति है यह सोढ़ प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सह सुखी नर विहाय कामान्य शर्मान निष्प्रह सर्व कामेभ्य युक्ता इति उच्यते योगी। इसकी व्याख्या में थोड़ी देर में सुनाता हूँ। एक तीसरा प्रश्न और आपके बीच में खड़ा करता हूँ, समय तो कम है, क्योंकि मैं 5 घंटे बोलूँ तब मैं थोड़ा थोड़ा थकता हूँ। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी का निरंतर निवास बना रहता है? विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिनके 7 लक्षण होते हैं, जिसके घर में 7 बातें होती हैं, जिस इंसान में 7 गुण होते हैं, उसको लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती है। और जिनके घर में गरीबी है, दरिद्रता है,
वह अगर इन सात गुणों को अपने भीतर पैदा कर लेते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है। वे कौन कौन सी सात बातें हैं? विदुर जी कहते हैं कि राजन, गौर से सुनना, ध्यान एकाग्र करना। मित्राणाम चा अनवियद्रोहा सप्तयिता संधि श्रिया। तृती समो दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा। उत्तर तो मैंने सभी दे दिया है, लेकिन आप कहो तो विस्तार करूं। विस्तार करूं? विस्तार में ही ठीक रहेगा। संत कबीर कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। संत कबीर से पूछा गया कि इंसान के जीवन में वह कौन सी चीज है जिससे उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, यश मिलता है। उसका नाम होता है और उसे ज्ञान भी प्राप्त होता है और धन राज्य भी उससे हल्का हो जाता है। वो कौन सी चीज है जिसको पाने के बाद मनुष्य अपने आप को निहाल समझता है? कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले ये सब कौने काज। साहब कहते हैं, अरबों खरबों धन हो जाए और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा जिसका राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और धन और राज्य को दूसरे पलड़े पर रखा जाए और डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा और धन राज्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा। रमण के पास में धन था और राज्य था, सोना था। विभीषण के पास में केवल भक्ति थी। भक्ति का पलड़ा भारी हो जाता है, धन राज्य का पलड़ा हल्का हो जाता है। इसलिए याद रखना, धनवान होना आवश्यक है, राजपाट का अधिकार होना भी आवश्यक है, परंतु मंजिल यही नहीं है, मंजिल और आगे है। कल श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल विधायिका जी कह रही थी, भजन में ही आनंद आता है, हमको भजन करना है, भक्ति करना है। तो मैंने उनको कहा कि राजनीति भी करो और भक्ति भी करो, क्योंकि राजनीति के अंदर अच्छे और सज्जन लोगों की आवश्यकता है, जिनके हृदय में भक्ति है, जिनके हृदय में धर्म की रक्षा के लिए स्थान है। ऐसे लोग जब राजनीति में पहुंचते हैं तो याद रखना, राजनीति उनके लिए मंदिर बन जाती है और राष्ट्र देवता बन जाता है, और वे अपने सेवा के फूल चढ़ाते हैं तो राष्ट्र में खुशियां फैल जाती है। विधानसभा ध्यान सभा का रूप लेने लग जाती है, लोकसभा परलोक सभा का संदेश देने लग जाती है। भगवान श्री राम के पास में क्या है? भक्ति ही तो है, और भक्ति की शक्ति को लेकर के रावण जैसे शक्तिशाली को पराजित करते हैं। हनुमान जी के पास में क्या है? भक्ति ही तो है, और भक्ति की शक्ति से अकेले लंका में जाकर के लंका दहन करते हैं। अंगद के पास में उतनी भक्ति नहीं है, तो अंगद से जाने को जब कहा जाता है तो अंगद को संदेह होता है कि चला तो जाऊंगा पर लौट कर आऊं कि ना आऊं पता नहीं है। दृढ़ भक्ति,